नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सपना विश्वकर्मा है। लर्निंग पैलेस में आपका स्वागत है। मैं आपको क्लास 10 का मैथ्स पढ़ाने जा रही हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे मुझे सपोर्ट कीजिएगा और इसके लिए आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। क्लास 10 का चैप्टर 1 है वास्तविक संख्याएँ। वास्तविक संख्याएँ किसे कहते हैं? परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएँ कहते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या जो ऐसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो और q नॉट इक्वल टू जीरो हो, मतलब कि p बाई क्यू के रूप में होना चाहिए और q का मान जीरो नहीं होना चाहिए, ऐसे संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल 1/3, 1/2, 4/3, इस तरह की संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। अब अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जो p बाई क्यू के रूप में नहीं हो और q इक्वल टू जीरो होना चाहिए। जो p बाई क्यू के रूप में नहीं हो वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि आपका पाई हुआ, √2 हुआ, √3 हुआ, √2 हुआ, √3 हुआ। जैसे पाई का वैल्यू क्या होता है, 1.347 डॉट डॉट करके ये आगे बढ़ता चला जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है। और √2 का वैल्यू क्या होता है, 1.414 इन्फिनिटी तक ये जाता है, इसका इन्फिनिटी तक जाता है, इसका विस्तार असीमित है, इसलिए ये है अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब परिमेय संख्या को हम लोग दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, पूर्णांक और भिन्न। अब आप बोलिएगा कि भिन्न भी परिमेय संख्या भी तो भिन्न ही होता है। परिमेय संख्या भिन्न नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या आपका ऋणात्मक हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, लेकिन भिन्न आपका नेगेटिव नहीं हो सकता है। जैसे कि -1/3 ये हो आपका परिमेय संख्या तो हो सकता है लेकिन भिन्न नहीं हो सकता है। अब आते हैं पूर्णांक पे। पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक को हम लोग तीन तरह में विभाजित कर सकते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और शून्य। ठीक है, तो यहाँ मैंने दो भाग में डिवाइड किया है, ऋणात्मक पूर्णांक और पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में धनात्मक और शून्य दोनों आते हैं। और पूर्ण संख्या ऋणात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो नेगेटिव साइन के साथ लिखी जाती है, जैसे कि -1, -2, -3 एक्सेट्रा, ये सारी संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं होती है। पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? वैसी संख्याएं जो प्राकृतिक संख्या के साथ, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1, 2, 3, 4 गिनती की पूरी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती है, और उसमें अगर हम लोग शून्य मिला देते हैं तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। तो पूर्ण संख्या 0 के साथ प्राकृतिक संख्या 0, 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा, ये पूर्ण संख्याएं होती है। और पूर्ण संख्याओं को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, प्राकृतिक संख्याएँ और शून्य। प्राकृतिक संख्याएं जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, गिनती की संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती है। और शून्य अपने आप में एक संख्या है। ठीक है, अब वास्तविक संख्याओं के स्ट्रक्चर को तो आप समझ चुके हैं। अब आते हैं हमारे चैप्टर 1 का यूक्लिड विभाजन परिमेय का। चैप्टर 1 में है आपका यूक्लिड विभाजन परिमेय का, यूक्लिड विभाजन विभाजन परिमेय का। इसको इंग्लिश में
यूक्लिड डिवीजन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, यूक्लिड एक गणितज्ञ थे जिन्होंने एक परिमेयिका दिया वास्तविक संख्याओं के लिए। वो परिमेयिका है यूक्लिड कहते हैं, अगर हमें ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय ऋणात्मक पूर्णांक क्यू तथा आर विद्यमान है जहाँ ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, जहाँ आर बी से छोटा है तथा आर जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा है। ठीक है, एक हम लोग नीचे क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं भाज्य, ये देखिए ये बनता है, जैसे कि नीचे क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल भागफल प्लस शेषफल। ये हम लोग नीचे क्लास में पढ़ चुके हैं, इसी पे आधारित ये फॉर्मूला यूक्लिड ने दिया था, भाज्य इज इक्वल टू होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, जहाँ आपका ए क्या है, ए भाज्य है, बी क्या है, बी भाजक है, क्यू क्या है, क्यू भागफल है, और आर क्या है, आर शेषफल है। आज का इंट्रोडक्शन समाप्त होता है, आगे क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चंस देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक धन्यवाद।